ये स्टोरी बांग्लादेश की है, जहां पर शाहिदा खातून बचपन में ही पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण काम करना शुरू कर दी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के बाद इन्हें बेसिक अर्निंग हो जाती थी, जो इनकी जो जरूरी सामान, जरूरी नेसेसिटी है, उसको ये पूरी कर पाती थी। आगे जाकर के जब शादी हो जाती है तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ काम करना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद ये मिडिल ग्रुप में आ जाती हैं। लेकिन फिर कोरोना वायरस आता है और कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन आती है। इस लॉकडाउन के बाद अर्निंग्स रुक जाती हैं, लेकिन खर्चे कम नहीं होते हैं, जिसके कारण से अगेन जब इनसे पूछा गया कि क्या स्थिति है आज, तो इन्होंने कहा कि आज की स्थिति हमारी वही स्थिति हो गई है जो 18 साल पहले हुआ करती थी। इस तरीके की बहुत सारे शाहिदा खातून और इस तरीके के बहुत सारे लोग गरीबी के शिकार होते जा रहे हैं। इकोनॉमी के कहीं भी कोई रास्ते नहीं निकल के आ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट लगातार छिनती जा रही है। इस तरीके की इस पूरी कहानी को वर्ल्ड बैंक ने काफी अच्छे से कवर किया है और हम लोग इस वीडियो में इसी कोरोना स्प्रेड और उससे रिलेटेड पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने ये बताया कि 1998 के बाद से पहली बार ऐसी हुआ है पॉवर्टी रेट इतना ज्यादा तेजी से राइज किए हों। लगभग 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो गई है और लगभग हाफ ऑफ द बिलियन पॉपुलेशन पॉवर्टी की शिकार हो गई है। इस पॉवर्टी की शिकार में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सब सहारन कंट्रीज और साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, जिसमें मेनली इंडिया है। सब सहारन अफ्रीका के बारे में बात करें तो 25 ईयर में पहली बार रिसेशन नोट की जा रही है, जबकि साउथ एशिया में 40 साल में इस तरीके की इकोनॉमिक डाउनफॉल नहीं देखने को मिली थी। अप्रैल के एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 40 टू 60 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हो चुके हैं और इस एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस की जा रही है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के द्वारा फेस की जा रही है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निकाली गई और इस प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में बेसिकली ये कर्व सामने आया, जहां पर 2015 के दौरान में हमें पॉवर्टी कुछ इस लेवल पे देखने को मिलती है। ये पॉवर्टी लगातार नीचे की ओर गिरती जाती है, लेकिन उसके बाद 2019 में नया केस आता है और वो केस होता है कोरोना वायरस का। इस कोरोना वायरस के कारण से स्थिति बहुत खराब होती है और अगर हम लोग केवल और केवल प्री कोरोना, मतलब कोरोना नहीं होता तो हम लोग इस पोजीशन पे रहते गरीबी के, लेकिन कोरोना के कारण से अप्रैल में प्रोजेक्शन ये कहती है कि हमारी पॉवर्टी लेवल काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये बढ़ करके लगभग 2016-2017 के पॉवर्टी लेवल पे आ गई है। लेकिन अगर हम इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस के स्प्रेड को कंसीडर करें तो हमें बेसिकली या तो कर्व नंबर 1 या कर्व नंबर 2, इन दोनों में से कोई चीज अचीव हो सकती है। इस कर्व का नाम वर्ल्ड बैंक ने डाउनसाइड प्रोजेक्शन और बेसलाइन प्रोजेक्शन के नाम पर रखा। बेसलाइन प्रोजेक्शन का मतलब यह है कि अगर कोरोना के इफेक्ट को हम केवल और केवल जून तक माने और उसके बाद से पोजीशन को नॉर्मल माने तो केस ये निकल के आता है, लेकिन अगर कोरोना के स्प्रेड को लगातार कंसीडर किया जाए, लॉकडाउन को कंसीडर किया जाए, तो हमें पोजीशन कुछ कर्व नंबर 1 जैसी देखने को मिल सकती है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन आज की डेट में है वो वापस से 2015 के पहले वाली पोजीशन पे जा सकती है, यानी इकोनॉमी अपने 10 साल पहले के स्टेज को वापस से अचीव करेगी। इसके डेटा के हिसाब से डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर हम लोवेस्ट पॉवर्टी लेवल को कंसीडर करके चलते हैं तो नियरली 71 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हो गए हैं, लेकिन अगर वही हम मिडिल साइड में बात करें तो लगभग ये 100 मिलियन लोग हो चुके हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हो चुके हैं। इस मिडिल इनकम में $3.3 पर डे माना जाता है। इस हिसाब से अगर देखते हैं तो 2021 में स्थिति और ज्यादा खराब देखने को मिलेगी और इस स्थिति में तीन कंट्री को सबसे ज्यादा डेंजरस बताया गया है, वो तीन कंट्री नाइजीरिया, इंडिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जहां पर बेसिकली जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो -0.8%, 2.1% और 0.3% बताया गया है, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है। इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर हम जीडीपी ग्रोथ को देखें तो काफी ज्यादा मुश्किल आगे आने वाली है, यानी कि आगे जाकर के पॉवर्टी के जो हेड काउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के ही रिपोर्ट को अगर आगे देखें तो बेसिकली तीनों पॉवर्टी लेवल पे बात करें 1.9, 3.2 और 5.5 के हिसाब से, तो यहाँ पर हम देखने को मिल सकता है कि जो साउथ एशिया
का ग्रुप है, साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं और सब सहारन की जो कंट्रीज हैं, ये बेसिकली सबसे ज्यादा वेटेज रख रही हैं, जिसमें कि साउथ एशिया की कंट्री लगातार वर्स होती जा रही है, साउथ अफ्रीका भी वर्स हो रही है, लेकिन ज्यादा वर्स साउथ एशिया की कंट्रीज हो रही हैं। इसी तरीके से अगर मिडिल इनकम में भी देखें तो साउथ एशिया सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, और अगर हम हायर इनकम भी देखते हैं तो भी साउथ एशिया का ही परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलती है, यानी साउथ एशिया की जो कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में है। अगर इसके डिटेल के बारे में बात किया जाए, एट हायर पॉवर्टी लेवल द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडेड पुअर पीपल मार्क्ड ऑफ 176 मिलियन पीपल, ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि पॉवर्टी लेवल में चले जाएंगे। अगर हम हायर इनकम के बारे में बात करें तो हायर इनकम के हिसाब से नियरली 2/3 ऑफ द साउथ एशिया की पॉपुलेशन यानी कि 177 मिलियन लोग आगे जाकर के पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हो सकते हैं, जिसमें मेनली ईस्ट एशिया और पैसिफिक के ही कंट्रीज हैं। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की एक डेटा पब्लिश हुई है जो 13 जून के पेपर में बेसिकली आप देख सकते हैं, जहां पर यह बताया गया है जो पॉवर्टी बेसिकली 77 मिलियन 88 मिलियन के नियर अबाउट में थी, वो अब 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, यानी पॉवर्टी का लेवल काफी ज्यादा भयावह होते जा रहा है और ये आगे भी इसी तरीके से होता जाएगा। अगर इंडिया के स्टडी के हिसाब से बात करें तो इंडिया में बेसिकली 80% वर्किंग इंडियन एक्सपीरियंस इनकम लॉस ये स्टडी के द्वारा पाया गया। इनफैक्ट ये भी स्टडी के द्वारा पाया गया कि 80% ऑफ द वर्किंग इंडियंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं इनकम लॉस को, उसमें से भी 92% आर ब्रेसिंग देमसेल्फ टू अंडरगो फर्दर इकोनॉमिक लॉसेज इन फ्यूचर। स्टडी को अगर और हम लोग डिटेल में देखें तो यहां पर 95% लोगों ने ये बोला कि हमें किसी ना किसी तरीके से देखिए इनकम का सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज हमारी आगे स्थिति काफी खराब हो जाएगी। इस 95% में से 53% ऐसे लोगों का कहना है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहिए होगी, 60% लोगों का कहना है कि हम अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के भरोसे हैं, और 39% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम फैमिली के भरोसे हैं। 40% ऑफ द इंडियन एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, मतलब जहां पर हम काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में हमें रिलीफ देंगे ताकि हम अपनी पोजीशन को ठीक कर पाएंगे। 30% ऑफ द इंडियन रेस्पोंडेंट्स जितने भी थे वो ये कहे कि कोरोना का थ्रेट एक नेशनल चैलेंज है, और उसमें से भी 30% लोगों का कहना है कि हमारे आगे आने वाले महीनों में लगातार इसकी स्थिति और ज्यादा खराब होती जाएगी। हर 4 में से 10 इंडियन का यही कहना है कि देखिए हम लोग फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और इस फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल चैलेंज का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस तरीके से। सुसाइड रेट काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, नियरली 40 डेज में मोर देन 300 सुसाइड्स रिपोर्ट किए गए हैं। ये काफी ज्यादा भयावह स्थिति है, क्योंकि अगर कोई बंदा ईएमआई में है, अपने परिवार को देख नहीं पा रहा है, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकम का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो थक हार करके ये कपल या फिर जो फैमिली मेंबर है वो सुसाइड कर ले रहे हैं। तो आखिर में इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमें वापस से लॉकडाउन लगा देना चाहिए कोरोना के वायरस को घटाने के लिए, या फिर कोई हेलीकॉप्टर होवर ऑफ मनी करनी चाहिए? देखिए, यहां पर हमें जो मेन चीज समझनी है वो ये समझनी है कि आज की डेट में कोरोना के कारण से कम, कोरोना के भय के कारण से लोग ज्यादा मर जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन हो सकते हैं फेक न्यूज, जो कोरोना को बहुत ज्यादा भयावह और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 2% मोर्टेलिटी रेट सामने आई है, जो कि बहुत ही कम है। केवल और केवल हमें अवेयरनेस और थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी होगी, जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। लॉकडाउन करना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण से इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जा रही है, और इस इकोनॉमिक सिचुएशन का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है। पैसा प्रोवाइड कर देना या फिर हेलीकॉप्टर होवर ऑफ मनी कर देना, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यह अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को काफी ज्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण से अगेन कंडीशन बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है, कंडीशन ग्रीस टाइप की हो सकती है, जिसको उबरने में, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर निकलने में 2060 तक का हमें टारगेट लेना पड़ सकता है। तो इस वजह से हेलीकॉप्टर होवर ऑफ मनी बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ तरीके हैं जो तरीके की मदद से हम कोरोना से लड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फेक न्यूज पे क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी, हमें देखना होगा कि फेक न्यूज स्प्रेड न करने पाए। हमें रिकवरी रेट को और ज्यादा तेज करना पड़ेगा, जिससे लोगों को एक सेटिस्फैक्शन रहे, लोगों को एक ट्रस्ट मेंटेन हो जाए कि अगर इनकेस मुझे कोरोना हो भी जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि मैं अल्टीमेटली आगे जाकर के सही हो जाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी।
साथ ही साथ अवेयरनेस भी काफी ज्यादा बढ़ाने होंगे, क्योंकि आज की डेट में लोग मास्क तो जरूर पहन रहे हैं, सैनिटाइजर तो जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको डंप नहीं कर रहे हैं, और डंप ना करने के कारण अगेन कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। हमें प्रिपेयर्डनेस करनी होगी, हमें हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ाने होंगे और साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मॉनिटर करना होगा। हमें यह भी बताना होगा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए या फिर हॉस्पिटल के एंट्री गेट पे ही कि क्या यहाँ पर बेड अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, ताकि हॉस्पिटल के अंदर में अफरा तफरी या फिर ट्रैफिक ना बने। हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कॉस्ट गाइडलाइन देना पड़ेगा, जिससे कि ज्यादा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज की डेट में रिपोर्ट किए गए हैं कि काफी ज्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, और इस तरीके से आम जनता को बचाने के लिए एक गाइडलाइन सरकार के द्वारा निकालनी पड़ेगी। हमें सेपरेट कोविड हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल कोरोना वायरस ही केवल एकमात्र बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत सारी अदर बीमारी भी है जिसका कारण से लोग हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अगर इस हॉस्पिटल में कोरोना के भी मरीज को रखा गया तो सीधी सी बात है, मरीज सही हुआ या नहीं हुआ लेकिन कोरोना से पीड़ित जरूर हो जाएगा। रेगुलर सैलरी हमें ट्रांसफर करने होंगे, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉयर हो, आपके प्राइवेट के हो या फिर गवर्नमेंट के हो। स्पेशली हमें ख्याल रखना होगा जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन में काम कर रहे हैं। हमें पीडीएस सिस्टम को काफी ज्यादा मॉनिटर करना होगा, ताकि जो पुअर पीपल हैं उनको एटलीस्ट खाने की प्रॉब्लम ना हो। एसेंशियल आइटम की अवेलेबिलिटी करनी होगी, साथ ही साथ अगर कोई मिसयूज या किसी प्रकार का भी वायलेशन करता है तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे। मनरेगा को लगातार मॉनिटर करना होगा कि यहाँ पर जो कोई भी आए एटलीस्ट उसे काम मिले और इस तरीके से उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा सके। इस समय देखिए ऑडिट कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन जो इस समय इंपॉर्टेंट चीज है वो हो सकती है सोशल ऑडिट, जो समाज के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, लोकेलिटी के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कोरोना के कारण से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं, तो ये कंडीशन की जा सकती है।